आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कुमार जी, जहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु और जहाँ बैठे हुए प्रजा परिषद की मूवमेंट के हीरो, आप सबको नमन करते हैं। और आज हम बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य वाला दिन है कि आज के दिन, जिस दिन को हम मनाने जा रहे हैं, इस दिन की एक भूमिका थी और जिसके लिए जम्मू कश्मीर में जो आंदोलन रहा वो हमेशा के लिए याद रहेगा। और उसी आंदोलन को याद करते हुए इस दिन को मनाने का हमें मौका मिला। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत में खुशियों के ढोल बज रहे थे, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर आग की लपटों में जल रहा था। उस वक्त जिस कदर जम्मू कश्मीर में जो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से जो एक तांडव हो रहा था, वो जम्मू वालों को गुवारा नहीं था, ना कि किसी भी बाशिंदे को गुवारा नहीं था। धन्य है वो लोग जिन्होंने इस बात को समझा। और जब हमारे जम्मू कश्मीर में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान करके जहां की हुकूमत चलने लगी और जातियां होने लगी, तो उन्होंने एक घेरा उठाया और प्रजा परिषद एक पैरेलल जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। और उस वक्त जिन लोगों ने उस पार्टी में जाने का निर्णय लिया, उस वक्त पार्टी में जाने का निर्णय यही होता था, या तो गोली खाएंगे या तो जेल जेल में जाएंगे। लेकिन धन्य वो लोग जिन्होंने इन चीजों को मद्देनजर होके अपने समाज को बचाने के लिए, अपने एक नेशनल का सबूत देने के लिए उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाए। मैं इस बात को और भी बताऊंगा कि जब नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो रही थी, स्टेटों के नाम रखे जा रहे थे, तो तकरीबन भारत की सभी स्टेटों के हेड्स को वहां बुलाया गया कि अपने अपने स्टेट का अगर कोई भी अमेंडमेंट्स करनी है, कोई नाम रखना है, तो उसके लिए आप बता सकते हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, तो जहां से कश्मीर के उस वक्त के हुक्मरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, सैयद मसूदी, मिर्जा अफजल बेग, ये तीन लोग कश्मीर से गए, और एक अननोन पर्सनैलिटी उधमपुर से मोतीराम भेगड़ा, तो रिटर्न नोन थे, उनको जम्मू की प्रेजेंटेशन के लिए उनको साथ लेके गए। और वहां जाके जब इनको पूछा गया कि आपकी रियासत का नाम, तो इन्होंने कहा कश्मीर। उस वक्त बंगाल के कुछ मेंबरान वहां बैठे थे, जिन्होंने इंटरप्ट किया और कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जब विलय किया तो उन्होंने खाली कश्मीर का विलय नहीं किया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित सब उनकी रियासत का एक हिस्सा थे, और आप खाली कश्मीर नाम कैसे रख सकते हो, हम तो जम्मू के नाम से, जम्मू कश्मीर रियासत के नाम से भी वंचित हो जाते अगर वहां वो आवाज ना उठती। तो इस किस्म की ज्यादतियां हमारे पर हुई और आर्टिकल 370 कहती है लोगों का, जिससे हमारे जम्मू के सभी लोग महरूम रह गए। आज हम इस दिन को, मैं इस गाथा को लंबा नहीं चलाएंगे, लेकिन इसमें यह बताना चाहूंगा कि वो दिन जहां करते हुए, वो इतिहास पढ़ते हुए हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि उस वक्त के लोग, उनमें जज्बा क्या था जो 15 लोग नेशनल फ्लैग होस्ट करने के लिए शहीदों के मुर्दों का निशाना बनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से चल के जमा हमारे जम्मू कश्मीर को ठीक करने के लिए आए, बट इस किस्म की गलतियां होने के बाद और हमारी जो चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे, हमारे अटल जी या अडवाणी जी की जोड़ी रही, लेकिन इन्होंने उस प्रथा को, उस बात को जो भ्रमण रहा था, जिस तरह आज हमारे बीच मोहरा जी बैठे थे कि हमने जो जो काम किया है शायद पार्टी ने हमें याद नहीं किया। पार्टी ने हमेशा हर कार्यकर्ता को याद किया, जिसने भी अपनी आहुति दी है, जिन लोगों के बलिदान हुए
जिनकी आज समाधियां बनी हुई है वहां भी हर वर्ष मेले लगते हैं, पार्टी कभी किसी को नहीं बोलती क्योंकि पार्टी का आधार सिवा आप लोग ही हैं जिन्होंने जिस काम को अंजाम दिया था। और आज हमारे प्रधानमंत्री और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जोड़ी ने पार्लियामेंट में जब इसका ऐलान किया कि 5 अगस्त 2019 को के दफा 370 और 35 से कश्मीर को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया, तब जाके जम्मू कश्मीर को आजादी मिली। आज भाई आजादी का दिन हम तिरंगा लहरा के हर छत पर तिरंगा लहरा के हर गांव में तिरंगा लहरा के इस दिन को मनाने जा रहे हैं। हमने आज आप सभी लोगों को जहां बुलाया और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच विष्णुदास जी शर्मा विश्वास से और मोहनलाल जी ये उस वक्त के हीरो हैं जिन्होंने प्रजा परिषद की लड़ाई में आंदोलन में हिस्सा लिया था। आज इनको भी हमने बुलाया और इनका बहुत बहुत हम आभारी हैं कि इन लोगों ने जहां आने का प्रयास किया और इतनी उम्र में भी इन्होंने जहां आना अच्छा समझा। और आप सभी लोगों को बताने का मतलब ये था कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो उस इतिहास को नहीं जानती है। हमारे बीच रमन जी जहाँ रमन सूरी जी बैठे हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पिछली बार बैठ के एक योजना बनाई कि अगर हम जो अपनी नई पीढ़ी है उसको इस चीज को कैसे दर्शाएं कि वो इतिहास कैसा था, क्योंकि आज की डेट में हमको वो तलवारें भाले लेके जा आंदोलन जा उसका सत्याग्रह करके नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ ऐसा प्रयास किया जाए ताकि हम लोगों को एक रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा आंदोलन था। उसके लिए मैं रमन जी को ही बोलूंगा कि वो जहां आके ध्यान करें कि किस तरीके की आपको ये दिमाग में बात आई और जो जिसकी हमने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो अभी अपने अध्यक्ष जी माननीय अशोक जी के तहत हम लोग द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा और वो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हमारा वो 53 का आंदोलन कैसे रहा, उसका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट यानी कि हमने शुरू किया है वो आपको देखने में मिलेगा। बाकी मैं जहाँ खड़े होकर भाषण करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, ये सिर्फ एक उस आंदोलन की जो लड़ाई थी उनको आज जब 2019 में ठंडा किया और जब हम लोग आजाद हुए उसका दिन हम सब लोग जहाँ खड़े बैठे हुए हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए रमन जी को बोलूंगा कि आपने जो ये इसका डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या आपके मन में कैसी बात आई और किस तरीके से हमने इस चीज को सरंजाम दिया और उसके बाद हम साथ ही इसको रिलीज करेंगे। धन्यवाद कुलभूषण मोहतरा जी। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री रविंद्र राणा जी का धन्यवाद करता हूँ। इस हमारे गीत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे परम श्रद्धेय माननीय श्री अशोक कोल जी इनके सानिध्य के नीचे ही हमने ये कार्य करने का प्रयत्न किया और उसमें हमें लगता है कि हमने कामयाबी भी ली है। ये देखने के उपरांत ही आपको पता चलेगा कि हमने क्या इसमें किया है। मैं यहाँ पर कुलभूषण मोहतरा जी का जो लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन इंचार्ज हैं, हमारे जयदेव रजवाल जी जो आईटी सेल से सोशल मीडिया देखते हैं, इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये कार्य इनके बिना संपन्न नहीं हो सकता था। इतिहास के बारे में बात की जाए तो इसमें कुलभूषण मोहतरा जी का विस्तार से बताना और हर एक से मिलवाना इसमें एक बड़ा बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें माननीय हमारे जयदेव रजवाल जी इन्होंने कल रात को भी यहाँ 11 बजे तक हम लोग बैठे रहे ये सारा सेटअप करने में, और इसके अलावा जो कुछ ये करते हैं आईटी सेल के माध्यम से ये सराहनीय है। मैं इनको बार बार नमन करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे विनय गुप्ता जी शायद नहीं आए या किसी कार्यक्रम में चले गए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ पर करुणा छेत्री जी हैं, करुणा छेत्री जी गोरखा कम्युनिटी से हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। करुणा छेत्री जी से हमने रिक्वेस्ट है इस वीडियो में जितने लोगों को खत्म होने के बाद फायदे मिले हैं उनको एकत्रित करके इस वीडियो में हमें लाया जाए, तो करुणा छेत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा योगदान दिया। हमारे साथ एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हारून चौधरी जी हैं, ये कल जम्मू में उपस्थित नहीं थे, आज स्पेशली इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में थे मोहम्मद शफी जी का भी, मोहम्मद शफी जी और हारून चौधरी जी ने दोनों ने इस हमारे गीत को इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, मैं दोनों का धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हमारे रिंकू गिल जी हैं जो सिविक सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सफाई कर्मचारी सभी जिनको फायदा मिला केसों का खत्म होने के बाद उनको भी साथ लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारे आर्टिस्ट जो लोग हैं, मैं विशेष तौर से हमारे कोरियोग्राफर हमारे
वीडियो के जो इंचार्ज हैं हमारे वेल नोन पर्सनैलिटी है, फिल्म मेकर हैं हमारे आकाश डोगरा जी, इनकी बहुत सारी मूवीज, इनके बहुत सारे सॉन्ग्स आप लोगों ने बड़े सारे सॉन्ग्स इस तरह सुने होंगे जो आकाश डोगरा जी के द्वारा फिल्माए जाते हैं। मैं आकाश डोगरा जी का धन्यवाद कहूंगा, आकाश डोगरा जी ने इसके ऊपर दिन रात प्रयासरत रहकर मेरे साथ कई रातें जागी हैं। हमने चाहे ये वीडियो गीत सिर्फ 5 मिनट का ही है, लेकिन 5 मिनट का वीडियो तैयार करते हुए शायद हमें कई घंटे लगे हैं, क्योंकि इसमें सोच, इसमें जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने प्रजा परिषद की मूवमेंट में आंदोलन में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, जो लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं आकाश जी का बार बार धन्यवाद कहूंगा कि आकाश जी ने इसको बड़ी बखूबी से और बड़ी सुंदरता से इसको चरितार्थ किया है यहाँ पर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। हमारे बीच में सोनाली डोगरा जी हैं, एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, सिंगर हैं, इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं और वॉइस ऑफ पंजाब की इसमें ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और अन्य अपने हिंदी में, डोगरी में, हमारे कश्मीरी में और अन्य कई भाषाओं में सोनाली डोगरा ने एक अच्छे गीत गाए हैं, और एक जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इनका आज नाम है कि इन्होंने कितने सारे गीत गाए हैं। मैं सोनाली डोगरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इन्होंने इस गीत को कामयाब करने में और इसको लाने में बहुत हमारा सहयोग किया। ब्रिज मोहन जी हैं, ब्रिज मोहन जी एक ऐसे सॉन्ग राइटर हैं, एक ऐसी भूमिका निभाते हैं कि हमारे कई सारे इतिहास इन्होंने लिखे हैं, कई सारी इन्होंने गीत लिखे हैं, आज भी इनको याद किया जाता है और हमारे बीच में आज मौजूद है। मुझे खुशी है कि ब्रिज मोहन जी को हमने रात को रिक्वेस्ट किया, आज यहाँ पर उपस्थित है। ब्रिज मोहन जी ने इस गीत को लिखने में हमने इसके बार बार इसके शब्द जो है वो बदले, बार बार इन शब्दों के ऊपर सोचा कि इन शब्दों में कौन से शब्द इसमें लाए जाए, लेकिन ब्रिज मोहन जी ने एक बार भी इसमें ये नहीं कहा कि इसको आज नहीं कल करेंगे, रात भर बैठकर, दिन भर बैठकर इसको कई दिन लगाकर इसमें ब्रिज मोहन जी लिखा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रशेखर बंटी जी हैं, मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, जिन्होंने समाज के ज्वलंत जो बीच में उदाहरण निकलते हैं, कई चीजें ऐसी आती हैं जिसमें कार्टून बनाकर ये समाज को सचेत करते हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इनका भी वीडियो में बहुत बड़ा योगदान है। एक इसमें सीन दो आएंगे वीडियो में जो बंटी जी ने ही बनाए हैं और बंटी जी की ही दिमाग। इसके अलावा हमारे साथ ये सारा वीडियो जो कंपोज और सब कुछ किया, ये नाट्य रोड प्रोडक्शन है, आकाश डोगरा जी की है, नाट्य रोड प्रोडक्शन के ही डांसर्स हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। लॉकडाउन के दौरान ये वीडियो बनाई गई है, लॉकडाउन उसमें उस समय कोई बीच में बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं था कि कोई कहीं जा सके कहीं आ सके, उस समय घरों से निकलने में भी डर लगता था, उस समय ये वीडियो बनाई गई। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मनोज धार जी से रिक्वेस्ट करके यूनिवर्सिटी के अंदर शूटिंग की गई, और भी कई जगह ऐसी थी जहां शूटिंग की गई, जम्मू कश्मीर में ये सारी शूटिंग यहीं की गई है। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आज के पावन दिन पर, इन सभी के योगदान जो है मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। इसमें आर्ट वर्क चंद्रशेखर जी का बता दिया मैंने, इसमें जो सॉन्ग राइटर और म्यूजिक थे वो दोनों ब्रिज मोहन जी के हैं, ओनर डायरेक्टर आकाश डोगरा जी हैं, इसके अलावा हमारे म्यूजिक अरेंजर जो है वो साहिल नाथ जी हैं, साहिल नाथ जी एच एन म्यूजिक स्टूडियो में इसका रिकॉर्डिंग हुई है। मैं सभी आर्टिस्ट का, सभी जो हमारे कलाकार थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ मौजूद हमारे बीच में हमारे मोहन लाल जी, इनके घर हम गए चन्नी में, तो चन्नी में जाके इनके घर पे हमने रिकॉर्डिंग की, हमारे बिशन राज जी बिश्नाह में जाके इनकी रिकॉर्डिंग की, घनसारा सिंह जी हैं वो आज उपस्थित नहीं हो सके, उनकी भी हमने रिकॉर्डिंग वहाँ की, ये सारा विक्रम चांद जी थे। इसके अलावा प्रजा परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज का ऐतिहासिक दिन धारा 300 का खत्म होने का दिन है, हम सभी को बधाई देते हैं। और आज श्री राम जन्मभूमि का भी भूमि पूजन हुआ था, उसका सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का मैं ज्यादा समय लूंगा क्योंकि अधीर जी का इसके बाद उद्बोधन भी है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। वीडियो को रिलीज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, माता माननीय अशोक कुहल जी, हमारे जयदेव रिजवाल जी, आकाश डोगरा जी, सोनाली जी, ब्रिज मोहन जी, आप कृपया 2 मिनट, चंद्रशेखर जी, मीटिंग नंबर साहब कोई निर्विंदर नाम निकोले बाकी वाले वगैरह 170
या किसी बट पा आना है हां वो आएगा रविंद्र रैना और मैं क्या करता हूं डबल पे पीछे आ जाओ पीछे वीर जी पीछे आ जाओ भैया जी थोड़ा सा बैठ जाओ पासवर्ड की बात भैया जी भैया 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 अगर माता की जिन्होंने अंदर आना अंदर बैठ जाओ हेलो
हेलो इस तरह करके देख रहे हैं और पीछे मार कुटाई जिस तरह उस वक्त होती थी उसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि आज वो देख रहे हैं कि पीछे क्या हमारे साथ होता था और कितना आज तक हमारा चल रहा है। तो वो इन लोगों का एक ख्याल था जिसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। मैं अभी प्रधान अध्यक्ष जी माननीय रविंद्र राणा जी का अनुरोध करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऊपर आके आज सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 5 अगस्त 2021 आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के समापन के 2 वर्ष पूरे होने पर करोड़ों करोड़ देशवासियों को देखिए गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। साथियों आज का दिन हम सबके लिए बहुत गौरवमय है। आज 5 अगस्त पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक भारत एकात्म भारत के नाम से जाना जा रहा है। हम सब जानते हैं आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने एक विभाजनकारी धारा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर ने बहुत नुकसान कष्ट और दुख झेले। हम सब जानते हैं इस धारा 370 के कारण पनपे आतंकवाद अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जम्मू कश्मीर के अंदर बम बंदूक पिस्तौल और गोलियां लाई जिनकी वजह से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान। साथियों हम सब जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ यहां पूरे देश के अंदर जश्न आजादी मनाई जा रही थी वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म सितम ढाया गया, एक साजिश की गई अंग्रेजों की। वो साजिश थी और साजिश में उस वक्त की तो बड़ी पॉलिटिकल जमात थी कांग्रेस पार्टी वो भी उसमें शामिल थी और जम्मू कश्मीर जिसका विलय भारत में होना था उस वक्त के महाराजा हरि सिंह बहादुर जो कि एक सच्चे राष्ट्रवादी देशभक्त व्यक्तित्व के धनी हमारे महाराजा धीराज थे और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते पूर्ण विलय भारत में करना चाहते थे लेकिन उस वक्त साक्ष्य हुई भारत देश के अंदर 562
यहां रियासत में थी और उन छोटी छोटी जो रियासतों के जो राजवाड़े थे राजे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना और जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के आधार पर विलय पत्र तैयार किया गया उसमें दो ही ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन नहीं था। या तो आपको भारत के साथ जाना है या उस वक्त पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। महाराजा हरि सिंह बहादुर 1930 और 31 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरीके से वहां उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को लताड़ा कि हम भारत के लोग आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और हमें अंग्रेजों की गुलामी की ये जंजीरें मंजूर नहीं। और अंग्रेजों से वो सीधा टक्कर लेते थे महाराजा हरि सिंह बहादुर। और अंग्रेजों एक साजिश की चाल चली, कांग्रेस पार्टी उस चाल का हिस्सा बनी, जहां सभी रियासतों के उस वक्त के जो राजे थे उनको विलय के बाद अपने भारत के उन जो राज्य बन गए उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक साजिश की गई कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर के विलय के बाद यहां उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाएंगे। शेख अब्दुल्ला को यहां एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री और यहां एक कियास बनाने की साजिश की गई, कोशिश की गई महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को यहां से बरतरफ करने की, लेकिन पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ। उसी दौरान जब अभी इस पर विलय का फाइनल निर्णय नहीं हुआ, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने उस वक्त मीरपुर पर हमला किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही हुई और पाकिस्तान की फौजें वो पाकिस्तान के हमलावर थे, वो कोई कवायली नहीं थे कि जंगल के अंदर कोई आदि मानव रहता है उसके पास बंदूकें 1947 में आ गई। उस वक्त वो पाकिस्तान के ट्रेन सोल्जर्स थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर एक बुक पब्लिश की थी एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने, वो मेरे को भेजी थी। उस बुक के अंदर अंग्रेजों के एक सेना अधिकारी थे कर्नल ब्राउन, वो कर्नल ब्राउन पूरी दास्तान लिखते हैं कि वो कोई ट्राइबल्स नहीं थे, कोई कबायली नहीं थे। कबायलियों के पास, ट्राइबल्स के पास खाने को अनाज के दो दाने नहीं होते, वो बंदूक के दान से आई थी, वो पाकिस्तान के ट्रेन सोल्जर्स। लेकिन किताबों में लिखा गया वो क्या थे, कबायली थे। कौन कबायली थे, कहां से आए थे, क्या नाम था उनका, उनको बंदूकें और गोलियां किसने दी थी, ये सवाल पैदा होता। साजिश को इतिहास के पन्नों में भी गलत तरीके से लिखा, उस साजिश का भी उस समय डटकर मुकाबला हुआ। संघ के दूसरे पूजनीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी गुरु गोलवलकर जी की मित्रता थी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ, बहुत बार उनके साथ आना जाना होता था। वो जनसंघ की विचारधारा से, संघ विचार परिवार की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे महाराजा हरि सिंह बहादुर। और जब ये सारा त्राही माम होने लगा, पाकिस्तान की सेनाएं बारामूला पार कर गई, श्रीनगर एयरपोर्ट को कब्जा करने की साजिश थी, गुरु गोलवलकर जी पूजनीय गुरु जी उस समय भोपाल में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरकारी हेलीकॉप्टर से उनको वहां से श्रीनगर भेजा। दो दिन पूजनीय गुरु जी श्रीनगर के अंदर रहे, महाराजा हरि सिंह जी के साथ चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर का विलय बिल आकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ, और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ।
उसमें गिलगित हो, बल्टिस्तान हो, अक्साई चिन हो, चकसाम वैली हो, उसमें मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, प्लेंद्री, देवा बटाला हो, नीलम वैली हो, ये सारे के सारे क्षेत्र महाराजा हरि सिंह जी के राज्य के अंदर आते थे और महाराजा हरि सिंह जी का पूरा राज्य का विलय, संपूर्ण विलय, पूर्ण विलय भारत के साथ। और जब विलय हो गया, विलय के बाद जब हमारे देश की सेनाएं यहां के अंदर उतरी और लगातार हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, अचानक दिल्ली के अंदर बैठे हुक्मरान जो बड़े बड़े अचकन और इधर गुलाब के फूल लगा के बैठे थे, जो कबूतर उड़ाने में लगे रहते थे, अमन के पैगाम देने में लगे थे, और जब उनको चाचा चाचा बुलाते थे दुनिया, तो बड़े खुश होते थे। उन्होंने देश का बंटाधार किया, भारत माता की पीठ पर कुठाराघात किया उन्होंने, जब हमारे देश की सेनाओं को उन्होंने सीज फायर कर दिया। कोई आगे दुश्मन की फौज नहीं, वो पाकिस्तानी सब भाग गए। आप मीरपुर, कोटली, भिंबर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बल्टिस्तान क्या, आप लाहौर की रांची में भी तिरंगा झंडा लगा सकते थे, लेकिन लंबी लंबी अचकन और गुलाबों की फूल से कहीं दिमाग बाहर जाए तो कोई देश के बारे में सोचता, और एक साजिश के तहत सीज फायर कर, और ये बड़ा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में। हम यहां से श्रीनगर से सोनमर्ग के रास्ते से कारगिल जाते हैं, सोनमर्ग की उन बड़ी ये जो जोजिला की पहाड़ियां हैं, जोजिला पास, इन पास में भारतीय आर्टिलरी टैंक रेजिमेंट मैकेनाइज यूनिट ने रास्ता बना के जोजिला पार कर दिया, कारगिल ले लिया, तो गिलगित बल्टिस्तान लेने में क्या दिक्कत थी। लेकिन साजिश थी मन में, जो दिल्ली के अंदर उस समय हुक्मरान बैठे, उनके दिल में देश के लिए कोई जज्बा नहीं था, इसलिए इतनी बड़ी भारत भूमि पर उसको हमने लेने का उस वक्त हमारी सेना ने तो प्रयास किया, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों के सर पर जू नहीं गई। यही नहीं, उस वक्त 1954 में, 1954 में हमारा संविधान यहां का अलग से 1956 में लागू हुआ। संविधान लागू होने से पहले 35A जैसी धारा को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के रूप में यहां लगवा दिया, और बाद में धारा 370 को हमारे संविधान में ऐड कर दिया। क्या जरूरत थी संविधान के अंदर धारा 370 को लाने की, क्या जरूरत थी 35A की साजिश जो स्टेट सब्जेक्ट डिफाइन करती थी उसको लाने की। एक साजिश थी कि भविष्य में भारत देश का विभाजन हो, देश का एक और विभाजन करने की साजिश के अंतर्गत इस धारा 370 को संविधान के अंदर जोड़ा। बहुत हंगामा हुआ, जम्मू कश्मीर को अलग से झंडा दे दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग से कानून दे दिया गया, और जम्मू कश्मीर में अलग से प्रधान दे दिया गया। एक देश में दो झंडे, एक देश में दो कानून और एक देश में दो प्रधानमंत्री, कितनी विभाजनकारी सोच रही होगी उस जमाने के जो प्रधानमंत्री और जो हुक्मरान थे, वो कभी हिंदुस्तान के सगे नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी, इनके दिल में कभी हिंदुस्तान के लिए प्यार नहीं था, ये अंग्रेजों के कठपुतली थे, कठपुतली जिनमें वो टोपियां लगा के जाके उधर बैठते थे चौकों में, शाम को अंग्रेजों के साथ बैठ के ये दारू और शराब और खेल करते थे, कोई देशभक्त नहीं थे। इसलिए आज भी कांग्रेस पार्टी के बयान देखो, आतंकवादियों को जी, अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी, पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादियों के साथ मीटिंगें, ये मनीष शंकर अय्यर, ये दिग्विजय सिंह, ये संजय निरुपम, ये शशि थरूर, ये कौन लोग हैं, ये क्यों कांग्रेस में हैं,
कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली एक गद्दारों का टोला है, गद्दारों का। और उस वक्त जब ये सारा तांडव देशभक्त लोगों ने देखा तो देशभक्त तिरंगा झंडा लेके सड़कों पर आ गए, सीने पर गोलियां खाई। अब यहां जीवन चौक के आगे साइंस कॉलेज के बाहर चले जाओ, वहां वो आज भी स्टूडेंट एजिटेशन में चली गोलियां, उनके लहू के निशान आज भी साइंस कॉलेज के बाहर मचे। आज भी आप जोड़िए में चले जाओ, आज सुंदरबनी में चले जाओ, हीरानगर में चले जाओ, आप रामबन में चले जाओ, आपको वो गोलियों के निशान, वो जो देश के प्रति बलिदान हो गए, कुर्बानियां लगी, वो लोग आज भी उस गवाही को कि गवाह है उस हालात के कि तिरंगा झंडा उठाना भी उस जमाने में पाप कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से किसी को बाहर जाना होता था, किसी को हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, चार धाम की यात्रा, शक्तिपीठों की यात्रा, किसी को रामेश्वर की यात्रा, द्वारिकाधीश की यात्रा करनी हो, जम्मू कश्मीर के लखनपुर पार करने से उसको पहले परमिट सिस्टम चाहिए, परमिट। और उधर से अगर किसी को देशभर से माता वैष्णो देवी जी के दरबार आना होता था, अमरनाथ जी की यात्रा कोई जाता, कोई चरार शरीफ जाता, कोई हजरतगंज दरगाह जाता, कोई बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की जियारत रजौरी की थाना मंडी में जाता, कोई कुंच के नगाली साहब जाता, कोई छठी पातशाही के दर्शन करने के लिए जाता, उसको भी बाहर से आने के लिए, माधोपुर से आगे आने के लिए परमिट चाहिए। मतलब आपके पास एक पासपोर्ट रूप की एक व्यवस्था चाहिए थी, एक देश से दूसरे हिस्से में जाने के लिए परमिट चाहिए, आने जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, अलग से झंडा चाहिए, अलग से प्रधानमंत्री चाहिए, अलग से कानून चाहिए। ये सब क्या था? एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हमारे देश को भविष्य के अंदर एक और पार्टीशन, इस देश का भारत माता के टुकड़े करने की एक और साजिश थी ये धारा 370, और उसकी आड़ में ये सारे जो सिस्टम बनाए गए थे। हम सब जानते हैं उस वक्त प्रजा परिषद आंदोलन, प्रजा परिषद का गठन किया गया पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा और महाराजा हरि सिंह बहादुर, इनकी मुलाकात होती है। महाराजा हरि सिंह बहादुर ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर प्रजा परिषद का गठन किया और जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लाखों नौजवान उस जमाने में माताएं, बहनें, बुजुर्ग तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए सड़कों पर निकले और नारा था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक देश में एक कानून, एक देश में एक प्रधानमंत्री और एक देश में एक झंडा होता। आज हमारे सामने पूजनीय बिशन जी, पूजनीय मोहन जी जैसे शिव जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु यहां बैठे जो उस आंदोलन का हिस्सा थे, जिनको अपने लिए नहीं जीना था, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिनको जो कुछ चाहिए था देश के लिए, मातृभूमि के लिए, इदम राष्ट्राय इदम नमम, हमारे पास जो भी है हमारे देश का है, हमारी जमीन जायदाद, घर परिवार, पड़ोसी, बाल बच्चे, सब कुछ देश के हैं। इस संकल्प को लेकर हजारों लाखों नौजवान घरों से बाहर निकले, प्रचंड आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का हिस्सा उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे दिग्गज नेता बने उस समय तो वो नौजवान। और हम सब जानते हैं जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने यह ऐलान किया कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर जाऊंगा, या तो ये अलग से कानून, अलग से झंडा, अलग से यहां की जो व्यवस्थाएं हैं ये हटा दूंगा, नहीं तो बलिदान दे दूंगा। और वही हुआ, बिना परमिट सिस्टम के
जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूछा अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा सकता हूँ, राजस्थान, बिहार, यूपी जा सकता हूँ, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, केरल जा सकता हूँ, मध्य प्रदेश जा सकता हूँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जा सकता हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जा सकता? जम्मू कश्मीर का भी विलय उसी प्रकार भारत में हुआ है जैसे बाकी राज्यों का, लेकिन एक साजिश थी जम्मू कश्मीर में और स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उस वक्त के हुक्मरानों ने श्रीनगर जेल में बंद किया गया और वहां उनकी हत्या की गई। प्रचंड आंदोलन हुआ, जबरदस्त आंदोलन हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत देश के अंदर आंदोलन हुआ और उसका परिणाम यह निकला कि 60 के दशक आते आते जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री खत्म करके मुख्यमंत्री कर दिया और ये सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान और जम्मू कश्मीर के हमारे जो उस वक्त के महान प्रजा परिषद के आंदोलनकारी थे जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई उनके बलिदान हुए, उनके बलिदानों का परिणाम था कि यहाँ प्रधानमंत्री को हटाकर उस वक्त के हुक्मरानों को मजबूर किया गया कि यहाँ प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री, एक कलंक यहां से मिटाया गया। उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा चलता रहा, वो तो चाहे प्रजा परिषद हो, भारतीय जनसंघ हो और 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, लगातार हम इसका विरोध कर रहे थे, लगातार इस धारा का विरोध कर रहे थे। क्यों इसका विरोध कर रहे थे? क्योंकि इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जन्म दिया गया, अलगाववाद को जन्म दिया गया, पाकिस्तान की मानसिकता को इस धारा 370 के कारण यहां जन्म दिया गया। इस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी मानसिकता, आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा तैयार कर दी जो आवाज देने लगी कि यहां हमको उनको आजादी चाहिए, यहां आवाजें निकलने लगी। देश का प्रधानमंत्री आए करोड़ों अरबों के पैकेज अनाउंस करते थे तो धन्यवाद नहीं किया जाता था, कहा जाता था आजादी चाहिए, पैसा हिंदुस्तान का चाहिए, सारी सुख सुविधाएं हिंदुस्तान की चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हिंदुस्तान की चाहिए, कमांडोस हिंदुस्तान के चाहिए, सुरक्षा में इंडियन आर्मी और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान चाहिए, बाढ़ आ जाए तो हिंदुस्तान चाहिए, बर्फ के एवलांचेस आ जाए तो हिंदुस्तान चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा हिंदुस्तान चाहिए, रेलवे हिंदुस्तान चाहिए, टनल बनाने हो हिंदुस्तान चाहिए और आपको आजादी चाहिए। एक ऐसी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के अंदर जन्म दिया गया मानो कि ये भारत देश का हिस्सा ही ना हो। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई लेकिन ये धारा 370 जम्मू कश्मीर का बर्बाद को बर्बाद करती है। 1990 का दौर आया, एक तांडव किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, खुलेआम शरेआम कश्मीर घाटी के अंदर बड़े बड़े भवनों से स्पीकर्स में अनाउंसमेंट की गई कि कश्मीर के अंदर रहने वाले जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, जो हिंदू समाज के वहां लोग थे उनको वहां से धमका के बंदूक की नोक पर वहां से निकाला गया। स्वर्गीय टीकालाल जी टिपलू, पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, सरला भट्ट जैसे असंख्य कश्मीर के अंदर देशभक्तों का खत्म आतंकवाद, और एक ऐसा माहौल बनाया गया 1990 के दशक में कि लाखों कश्मीरी पंडित और सिख वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए, बंदूक की नोक पर उनको कश्मीर घाटी से बाहर कर दिया और कांग्रेस के लोग दिल्ली में बैठे तमाशा देखते रहे, तमाशा
हमेशा देखती रही कांग्रेस पार्टी। किसी ने कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, और कश्मीर के अंदर ऐसे मुसलमान लोग भी थे जो देशभक्त थे, उनको भी कत्ल किया गया, उनको भी भगाया गया, उनको भी मारा गया। उनका दर्द तकलीफ किसी ने नहीं सुनी। इसका कारण था ये धारा 370। कुछ यहां पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हो गई। अब 370 के आगे का कदम देखो, जो मैंने पहले कहा धारा 370 एक साजिश थी भारत माता का एक और विभाजन करने की, एक और भारत माता का डिवीजन करने की, टुकड़े करने की साजिश थी। यहां के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हो गई, उन्होंने यहां डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। क्या एटॉनमी चाहिए? एक डॉक्यूमेंट आ गया यहां बड़े बड़े बयान देने वालों के, और वो नेहरू खानदान के दोस्त जो परिवार के थे, जिनके साथ 1947 में दोस्ती निभाई और जिन्होंने बाद में पीठ पर खंजर होगा और फिर मजबूरी में 20 साल जेल की सलाखों में बंद करना। उन लोगों ने 1996 आते आते अटानोमी का एक नया डॉक्यूमेंट लाया। वही 1953 से पहले की स्थिति उनको चाहिए। और उसके बाद एक और जमात आ गई, उसने कहा हमको सेल्फ रूल चाहिए। कौन सा सेल्फ रूल चाहिए? भारत लोकतांत्रिक देश है, आप चुनाव लड़ो, आप एमएलए बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, एमपी बनते हो, केंद्रीय मंत्री बनते हो, आपके पिताजी केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं भारत देश के, इसके बाद भी आपको सेल्फ रूल चाहिए। सेल्फ रूल क्या था? बॉर्डर खत्म कर दो, यहां से सीधी गाड़ियां लाल, ऐसा निजाम बनाने की यहां साक्ष्य थी, स्पैट करने की जरूरत ही नहीं, गाड़ियां भर भर के लाओ सामान यहां, और यहां कत्ल करो, यहां बम बंदूक पिस्तौल गोलियां चलाओ, ये साजिश थी, ये डॉक्यूमेंट है। और एक और खड़े हो गए, अचीवेबल नेशन, नेशनहुड, अचीवेबल नेशनहुड। सेंटेंस वर्ड्स देखो, इस प्रकार का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी यहां। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लाखों करोड़ों स्वयं सेवा कार्यकर्ताओं ने फिर ठाना था, जब तक जिस्म में एक एक बूंद लहू की बाकी है, देश की शान आन पान शान को आंच नहीं आती। और वही हुआ, आतंकवादियों से यहां हमारी सेना ने जंग लड़ा, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीओ और वीडीसी के लोगों ने जंग लड़ी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ स्वयं सेवक हमारे कार्यकर्ताओं ने भी पानियां दी, और बिना किसी लालच के संघर्ष लड़ा, जंग लड़ी, आज भी लड़ रही। मिलाकर 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार देश में बनी। लेकिन उस वक्त हमको लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं। और धारा 370 को अगर आपको हटाना था तो आपको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए था। नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब ने मेहनत की, एक स्टेट, दो स्टेट, चार स्टेट करते करते इस देश के अंदर 18 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और राज्यसभा राज्यों के असेंबली के एमएलए वोट डाल के वहां जो मेंबर भेजते हैं वो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। और जब 2019 में दोबारा इलेक्शन हुए और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मोदी सरकार जीत के आई, 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त ये निर्णय लिया गया और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को मोदी सरकार ने उखाड़ के फेंक दिया।
धारा 370 जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति के हित में नहीं थी। इसीलिए जब धारा 370 हटाई गई कश्मीर में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। जम्मू रीजन हो जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले हैं, शाम के साथ तिरंगा झंडा लहराया गया। उसी तरह कश्मीर घाटी के अंदर भी श्रीनगर हो, बड़गाम हो, गांधरबल हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, हर जगह एक प्रकार से जश्न आजादी मनाई। एक पत्थर नहीं चला, एक पत्थर। आम लोग जानते थे कि धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के आम लोगों को, उनको बंधक बनाया गया था। उनके पांव में गुलामी की झंझरें बांध के रखी थी। गुलामी की जंजीरों में धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव के हो, शहर के हो, हर व्यक्ति को जकड़ के रखा। चंद गिने चुने परिवार थे, चंद गिने चुने परिवार थे जो इस धारा 370 की आड़ में लूट खसूट करते, जो अपनी दुकानदारी चलाते थे। और मोदी साहब की सरकार का वो संकल्प देश के लिए इस विभाजनकारी, इस षड्यंत्रकारी इस धारा को समाप्त करके एक भारत, एकात्म भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया। और जो सपना स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी ढोगरा, महाराजा हरि सिंह जी बहादुर, ठाकुर बलदेव सिंह जी, उनके साथ साथ असंख्य बलिदानियों ने जो कुर्बानियां देते समय जो खाब देखे थे, जो संकल्प लिए थे, संकल्पों को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने देश हित में पूरा किया। और जब धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर तिरंगे झंडे से लहरा रहा था और इसका विरोध करो हो रहा था, धारा 370 को हटाने का विरोध लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मुजफ्फराबाद में हो रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को रैली निकालनी पड़ी मुजफ्फराबाद से। किसके पक्ष में? 370 के पक्ष में। सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान अगर कोई पाकिस्तान के संविधान के लिए अगर रैली करता तो समझ आती थी, पर इमरान खान हिंदुस्तान के संविधान की एक धारा को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हटाया, उसके लिए विरोध प्रदर्शन इमरान खान करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस धारा के पीछे कितनी बड़ी साजिश छिपी, कितना बड़ा षड्यंत्र था यह धारा 370। धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के जो विस्थापित रेफ्यूजी आए, जो जम्मू कश्मीर में आए, 70 साल तड़पते रहे, उनको हक, उनके बच्चों को, उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी को हक नहीं मिले। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित थे, पश्चिम पाकिस्तान उस हिस्से को बोलते हैं जो बेस्ट पंजाब है, जो आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हो गया, जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया, उसको पश्चिम पाकिस्तान कहा गया। और वहां से जो लोग विस्थापित हो गए देश के अन्य भागों में गए, उनको पूरे अधिकार, जो जम्मू कश्मीर में आए, 70 साल मानवाधिकारों का हनन हुआ। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त दिल्ली जाने के बजाय जम्मू कश्मीर आ जाते, आज भी कहीं अर्निया, बिछना, स्वांखा मोड़,
इधर किसी कच्ची सी तो जो कुल्ली होती है उसमें रह रहे हो, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग जो हमारे दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ अत्याचार, उनको यहां अधिकार नहीं दिए गए। कि धारा 370 में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हमारे दलित समाज के भाई बहन उनके परिवारों के साथ अत्याचार किए। यहां तो यहां जो कुचर पकड़वाल समुदाय के लोग हैं, मैं एनसी कांग्रेस पीडीपी के नेताओं से सवाल पूछता हूं, क्या ये गुज्जर बकरवाल इंसान नहीं थे क्या? और ये सारी की सारी कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल ये मुसलमान धर्म से संबंधित थे, इस्लाम को मानने वाले हैं गुज्जर और बकरवाल, लेकिन 70 साल इनको भी इनके अधिकारों से दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि ये देशभक्त है, क्योंकि गुज्जर और बकरवाल हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं, इसलिए 70 साल गुज्जर बकरवालों को वो हक नहीं दिए गए जो हिंदुस्तान के कानून ने पूरे देश भर के शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को। जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा जिले के लोग आते हैं, 70 साल तिरंगा झंडा लेकर पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने हमेशा भारत माता की जय जयकार की, हिंदुस्तान जिंदाबाद किया, और जिसमें 80% मुसलमान लोग हैं, 20% हिंदू, सिख और अन्य लोग हैं, उनको 70 साल उनको अधिकार नहीं दिए गए। क्यों? जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहने हैं, 70 साल माताओं बहनों को यहां अधिकार नहीं दिए गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको अपने बहू के तो हक चाहिए जो आपने जम्मू कश्मीर से बाहर से लेके आए, अच्छी बात है। बाहर की किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में होती है, उसको अधिकार मिलते थे, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, अगर आपकी बेटी की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो गई, उसके कानूनी हक क्यों समाप्त कर दिए गए? आपको बहू के तो हक चाहिए लेकिन बेटी के हक नहीं चाहिए? ये दो कानून आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी बेटी सारा अब्दुल्ला, सारा पायलट, आज अगर उसको हक मिले हैं तो नरेंद्र मोदी साहब ने दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। आज जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजीज हो, कुचर बकरवाल हो, पहाड़ी समुदाय के लोग हो, महिलाएं हो, आज उनको हक मिले तो धारा 370 को समाप्त करने के बाद उनको हक, एंटी करप्शन लॉस आज यहां लगे, एंटी करप्शन ब्यूरो बनी तो धारा 370 के समापन के बाद, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एसटीज, आज ये सब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की देन है जो धारा 370 को होता है। ओबीसी पूरे हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन, ओबीसी 1300 की एक राइट, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। कश्मीर घाटी में चले जाओ, टोटल कश्मीर घाटी का 60% लोग ओबीसी समाज तेली है, पांजी है, वो भुनकर है, ओखली बनाने वाले हैं,
मछुआरे हैं, छिटाने वाले हैं, अधिकांश लोग कश्मीर घाटी के अंदर जो रहने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं वो पूर्व से कैटेगरी में आते हैं। लेकिन 70 साल और 370 के कारण तो इस चीज को यहाँ हक नहीं दिया गया। जम्मू रीजन में भी बड़े पैमाने में यहाँ ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको हक नहीं दिया गया, ना दिया गया। 12370 खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, ये ना दिया गया। यहाँ यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इंजस्टिस हुआ। क्या ये पैसा देने की कोशिश यहाँ एनसी कांग्रेस और पीडीपी की? लोगों का कत्ल होता गया और लाशों पर राजनीति करते रहे, क्या ये पैसा देने की आपने कोशिश की हुआ? जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त लोग हैं। जम्मू के डोगरे हो या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले लोग हो, सब देशभक्त हैं। कश्मीर के अंदर भी 95% रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो देशभक्त लोग हैं, उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वो देश के लिए जीते हैं। वहां के हालात ऐसे हैं कि बंदूक के साये में लोगों के दिल में डर है, खौफ है, वो घर से बाहर निकलकर बोल नहीं सकते। उनकी तकलीफ परेशानियां हम समझते हैं, लेकिन वो कट्टर हिंदुस्तानी और देशभक्त लोग। आज अगर हम कश्मीर में जाते हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो पुलिस के जवान, तो वहां के कश्मीर के हमारे मुसलमान नौजवान जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं, और जो अपनी जान हथेली पर रखकर तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो वतन परस्त लोग हैं, उनके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। मैं ऐसे तमाम देशभक्तों को सलूट करता हूं। जम्मू के अंदर 1947 में उस वक्त जब प्रजा परिषद का आंदोलन 53 में शुरू हुआ, अगर यहाँ महाराजा हरि सिंह बहादुर, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन लड़ा, तिरंगा झंडा बुलंद रखा, तो कश्मीर के अंदर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे लोग और मास्टर अब्दुल अहद लोन जैसे लोगों ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाए, लेकिन शान से तिरंगा झंडा कश्मीर में बुलंद रखा। मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब और मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब जैसे देशभक्त लोगों। साथियों, आज जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। हमने देखा दो दो एम्स जैसे हॉस्पिटल, यहां एक सांबा में और दूसरा अवंतीपुरा में बन रहा है, सात सात मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर, टूरिज्म के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, नए कॉलेजेस IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फ्लाईओवर्स, टनल्स, रेलवे के प्रोजेक्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब नरेंद्र मोदी साहब की देन। पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव होकर पंचों और सरपंचों को अधिकार देने का काम
मोदी सरकार ने, बीजेपी की हुकूमत ने, और धारा 370 के समापन के बाद हो गया। पहली बार जहां ब्लॉक समितियों के बीडीसी के चुनाव हुए, पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए, टीडीसी का गठन हुआ। यहां केवल 87 MLA का इलेक्शन होता था, आज 50,000 से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सरपंच हो, पंच हो, बीडीसी हो या टीडीसी हो, ये जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जम्मू कश्मीर एक नई डेवलपमेंट की मजबूती की ओर बढ़ रहा है, खुशहाल जम्मू कश्मीर सबको नजर आ रहा है। 20 दिन के अंदर यहां DRDO ने कोविड केयर हॉस्पिटल जम्मू में और श्रीनगर में इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर तैयार किया। इस मुश्किल हालात कोरोना कोविड लॉकडाउन के बावजूद यहां फंड्स की कमी नहीं आई, 4 गुना ज्यादा कैपेक्स बजट इस बार जो जिला परिषद ने पास किया, वो सारे अधिकार चुने हुए नुमाइंदों को मोदी सरकार ने दिए। साथियों, एक नए युग की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। धारा 370 की समाप्ति के बाद एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, एक मजबूत जम्मू कश्मीर, एक प्यारा जम्मू कश्मीर, एक सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण यहां शुरू हुआ है। इस धारा 370 की समापन के बाद जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मिशन जो नरेंद्र मोदी साहब का है, उसको आज पूरा किया गया है। आज हर व्यक्ति को उसको संवैधानिक अधिकार अगर मिले हैं तो धारा 370 के टूटने के बाद। ये धारा 370 एक नफरत की दीवार थी, आर्टिकल 370 वाज ए वॉल ऑफ हेट्रेड, इसको हटा दिया गया है देश हित में, राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर की जनता के हित में इस धारा को हटा दिया गया है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में परेशान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आज एक भारत, एकात्म भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मोदी साहब ने पूरा किया है। आज एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के संकल्प को मोदी साहब ने पूरा करके जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक दिया है। आज बड़े मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, गांव के हो या शहर के हो, पहाड़ के हो या मैदान के हो, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हम सबको मिलकर एक होकर मजबूत जम्मू कश्मीर और मजबूत भारत के निर्माण के लिए काम करना है। साथियों, आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने मिलकर उस और कदम बढ़ाना है। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विलय भारत के साथ किया है। जो क्षेत्र आज भी पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है, अगला हमारा संकल्प पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हमारी मातृभूमि को मुक्त कराकर वहां भी तिरंगा झंडा फहराने का काम हम सब ने करना है। यह संकल्प लेते हुए आज हमने यहां से जाना है। मैं एक बार फिर
करोड़ों करोड़ देशभक्तों को, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों को, करोड़ों करोड़ जम्मू तथा कश्मीर वासियों का इस 5 अगस्त एक भारत एकात्म भारत के इस दिन पर आपको पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और विश्वास रखता हूं कि आने वाले दिनों में हम अपने बड़े संकल्प को भी पूरा करेंगे और राष्ट्र को, भारत को, अखंड भारत का जो सपना हमारे पूर्वजों ने लिया उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी ने आज का प्रोग्राम, अभी जिन लोगों ने इस को बढ़ाया था जो आपके समक्ष रहे आकाश टोकरा जी आप आ जाइए, चंद्रशेखर बंटी जी, सोनाली डोगरा जी, ब्रिजमोहन जी, पीछे यू और Боевой стимуляцион. अभी राष्ट्रगान होगा, उसके बाद दर्पण की भूमिका नीचे करिए। अब सभी लोग नीचे, मतलब बेसमेंट पे टीचर के बाल गए। चलो सलाम, अभी राष्ट्रगान होगा। जय मन अधिकार के जय भारत भाग्य विधाता सिंह गुजरात मराठा भंडारी माँ जल यमुना गंगा उछल जल तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, नारे तब जय पाता। जन गण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे,
नीचे उतर के जहाँ चाहिए सब कृपा चाहे।